देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक राशि है धनु और एक राशि है मीन। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि जल तत्व की राशि है। मीन राशि के अंदर तीन नक्षत्र आते हैं, ये नक्षत्र हैं पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो मीन राशि इन तीनों नक्षत्रों में अलग अलग परिणाम देती है, यानी मीन राशि के जो लोग हैं वो इन तीनों नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं। मीन राशि शुक्र की बहुत प्रिय राशि है, शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है और बुध की बहुत निगेटिव राशि है, बुध मीन राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी राशि मीन है लेकिन आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है तो इसकी खास बातें क्या हैं? पूर्वा भाद्रपद का जो अंतिम चरण है वो मीन राशि के अंदर आता है, पहले तीन चरण कुंभ राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है और मीन राशि का मालिक भी बृहस्पति है, इसीलिए मीन राशि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बहुत ताकतवर हो जाती है। इनके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है, जीवन में उत्साह के बल पे और साहस के बल पे काफी उन्नति करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी इस नक्षत्र वाले लोग बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। इन लोगों को अपने घर में आम का पौधा लगाना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए, इनके लिए फलदायी रहेगा। अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनकी राशि मीन है लेकिन जिनका नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि माना जाता है। इस नक्षत्र में चूंकि मीन का मालिक बृहस्पति, नक्षत्र का मालिक शनि, तो बृहस्पति शनि होने की वजह से यहां पर मीन राशि कमजोर हो जाती है। इनके अंदर धर्म और दर्शन का काफी ज्ञान होता है, ऐसा देखा गया है। ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं और समाज के लोगों की बहुत सहायता भी करते हैं। इनके मुश्किल ये है कि दूसरों के लिए करने के चक्कर में कभी कभी अपना भी नुकसान ये कर बैठते हैं, अपनी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत सही नहीं है। इन्हें अपने घर में नीम का पौधा लगाना चाहिए और नीम का पौधा लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं उनके बारे में जिनकी राशि मीन है लेकिन जिनका नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। देखिए, रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध माना जाता है और बुध और बृहस्पति का जो संबंध बनता है रेवती नक्षत्र में, यहां पर मीन राशि मध्यम होती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन कभी कभी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, निर्णय लेने में गलतियां कर बैठते हैं। ये लोग कभी कभी मानसिक रोग के शिकार भी हो जाते हैं, कभी कभी इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ इन्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और ध्यान जरूर करना चाहिए। इनको घर में या तो महुए का पौधा लगाएं या महुए का अगर कहीं पेड़ हो तो उसमें जल डालना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उससे इनको जरूर लाभ होता है। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप।